हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। बड़े तो गाइस, आज की इस वीडियो में आप सभी को एक्सपेरिमेंट गुरुजी की तरफ से आपको और आपकी पूरी फैमिली को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसा गाइस आपने थंबनेल पे देख लिया, आज की इस वीडियो में हम पानी के गुब्बारे, पानी के जो बलून्स होते हैं जो होली पर फुलाते हैं रंग भरकर, पानी भरकर, उसको दोस्तों हम 6 महीने के लिए मिट्टी के अंदर दफनाने जा रहे हैं, यानी गस दबाने जा रहे हैं। और फिर गाइस देखेंगे क्या होता है जब मिट्टी के अंदर पानी के बलून्स को, पानी के गुब्बारे को दबाते हैं 6 महीने के लिए। क्या गुब्बारे फूट जाएंगे, क्या गुब्बारे बिल्कुल पिचक जाएंगे, मिट्टी पानी को सोख लेगा, मुझे कुछ नहीं मालूम। अगर दोस्तों आपको पता है, अगर 6 महीने के लिए मिट्टी के अंदर पानी गुब्बारे, पानी के बलून्स को अगर दबा दें तो गाइस क्या होगा, अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट बताना। आप जब कहेंगे तब गाइस हम पानी के बलून्स को निकाल देंगे मिट्टी में से, ठीक है। और गाइस आपको दिखा देंगे कि गाइस क्या हुआ है पानी के गुब्बारे के साथ, पानी के बलून्स के साथ। तो चलिए गाइस पानी के बलून्स को दबाते हैं और गाइस देखते हैं 6 महीने बाद क्या होता है। तो गाइस वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाली है, तो गाइस इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखें। दोस्तों वीडियो को लाइक करें और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे इसी प्रकार की एक्सपेरिमेंट वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों इस वीडियो को लाइक का हम रखते हैं 50 लाइक का, तो नीचे जो लाइक का बटन है उसको ठोंक दीजिए और इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग मजेदार एक्सपेरिमेंट वाली वीडियो का मजा लीजिए। तो चलिए गाइस वीडियो शुरू करते हैं। देखिए गाइस आपके सामने गाइस रखे हैं 2 बलून, गाइस ये वाला दिल वाला है। और गाइस इसे हमने पूरा नहीं फुलाया, क्योंकि दोस्तों अगर पूरा फुलाते तो गाइस बड़ा हो जाता, तो गाइस फटने का भी डर रहता। इस वजह से मैंने नॉर्मल बीच का साइज बिल्कुल अच्छी तरीके से फुला लिया, जिससे गाइस हम 6 महीने के लिए आराम से रख सके मिट्टी के अंदर, इस वजह से, ठीक है। और गाइस देखो आपको पता है हमारे पास कोई खेत वगैरह है नहीं है, इस वजह से गाइस हम अलग से मिट्टी लेकर आते हैं और आपके लिए वीडियो बनाते हैं, ठीक है। गाइस देखो हमारे पास कितनी सारी मिट्टी है, और गाइस इन बलून को हम दबाएंगे इस तसले के अंदर, ठीक है। यानी दोस्तों इस तसले में हम थोड़ी सी मिट्टी डाल देंगे नीचे, गाइस उसके ऊपर से रख देंगे बलून और मिट्टी डाल देंगे, ठीक है। और बिल्कुल अच्छी तरीके से दबाएंगे, यानी दोस्तों जो खेत में दबाते हैं मिट्टी के अंदर वैसे ही दबाएंगे इसमें भी, ठीक है। तो चलिए गाइस इस तसले में थोड़ी सी मिट्टी डालते हैं, ठीक है। देखिए गाइस हमने इतनी मिट्टी डाल दी इस तसले के ऊपर, ठीक है। तो चलिए गाइस अब रखते हैं बलून को। देखिए गाइस इस प्रकार से रख देंगे, ठीक है, एक बलून ये वाला, ठीक है, इस प्रकार से रख देंगे 2 बलून, ठीक है। अब गाइस देखते हैं क्या दोस्तों ये अभी फटे जाएंगे, क्या दोस्तों 6 महीने तक बिल्कुल ऐसे ही बने रहेंगे, क्या दोस्तों बिल्कुल पिचक जाएंगे, मुझे कुछ नहीं पता। दोस्तों आपको पता है तो नीचे कमेंट में बताना, ठीक है। तो चलिए गाइस डालते हैं इसके ऊपर से मिट्टी और दबाते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से बलून को, ठीक है। A few moments later. तो गाइस देखो बिल्कुल अच्छी तरीके से हमने बलून को मिट्टी के अंदर दबा दिया, ठीक है। लेकिन गाइस मिट्टी को नहीं दबाएंगे, क्योंकि दोस्तों अगर मिट्टी को दबाएंगे तो गाइस बलून अभी फूट जाएंगे। ऐसे गाइस आपको क्या लगता है क्या होगा बलून के साथ, क्या दोस्तों बलून 24 घंटे के अंदर फूट जाएंगे, क्या दोस्तों अभी फूट जाएंगे, क्या दोस्तों 6 महीने तक बिल्कुल ऐसे ही बने रहेंगे, आपको क्या लगता है नीचे कमेंट बताना, ठीक है। लेकिन गाइस हमने तो पूरे 6 महीने के लिए इन 2 बलून को मिट्टी के अंदर दबा दिया है, देखते हैं गाइस पूरे 6 महीने के बाद जब निकालेंगे 2 बलून को मिट्टी के अंदर से, देखते हैं गाइस तब क्या होता है 6 महीने के बाद, ठीक है। तो गाइस अब आपका केवल एक ही काम है कि गाइस आप नीचे कमेंट बताना कि गाइस पानी के बलून्स को, पानी गुब्बारे कब निकाले मिट्टी में से, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, आप जितने दिन बाद कहेंगे, जितने महीने बाद कहेंगे हम उतने दिन बाद पानी के बलून्स को निकाल देंगे मिट्टी के अंदर से और आपको दिखा देंगे क्या हुआ है पानी के बलून्स के साथ, क्या पानी के बलून्स फूट जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, देखते हैं गाइस पूरे 6 महीने के बाद, ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इस वीडियो में कुछ नया देखने को मिला होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, और इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग मजेदार एक्सपेरिमेंट आगे देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे इसी प्रकार की मजेदार वीडियो आपको आगे देखने को मिल सके। तो चलिए गाइस मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।